close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुलदीप यूके। एक नई शुरुआत, एक नई छोटी सी वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज लगभग सुबह 4 बजे से बारिश हो रही है और पास के गांव में बर्फ़बारी हो रही है, सिवाय मेरे गांव को छोड़कर। हमारे गांव में नहीं हो रही है, पास के सारे गाँव में बर्फ़बारी हो रही है। तो मैं आज आपको यहाँ से बर्फ़बारी दिखाना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारे गाँव की पहाड़ी थोड़ा नीचे को है, तो इसलिए यहाँ मतलब कम ही बर्फ़बारी होती है। अभी लगभग सुबह के 11 बजे हैं और आज लोगों के लिए लॉकडाउन लगा है, मतलब लोग सारे अपने घरों में बंद हैं क्योंकि पूरे दिन भर बारिश आने वाली है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सामने वाली पहाड़ों में बर्फ़बारी होती है। कैमरा उतना अच्छा है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, सामने वाली पिठुंडी वाली पहाड़ी पर, मतलब मरगाँव के ऊपर जो पहाड़ी है, वहाँ बर्फ़बारी हो रही है। अभी चली रही है। और इधर को देखें तो इधर कोहरा लगा है और इस वाली पहाड़ी पे भी बर्फ़बारी हो चुकी है, ताराकुंड वाली पहाड़ी पे। और हमारे गांव में नहीं हुई बर्फ़बारी, हमारे गांव में सिर्फ बारिश हो रही है। तो दोस्तों, अभी आ रखा हूँ मैं अपनी गौशाला में। यहाँ पे मतलब मैं अपनी बकरी को रोटी देने आ रखा हूँ। आज वैसे भी बारिश है, तो मतलब बाहर ठंड में उन्हें कहीं ले जा नहीं सकते, तो दिन भर वो अंदर ही रहते हैं। तो अभी मैं इस कट्टे में मैंने उनके लिए बासी रोटियां लार की हैं और थोड़ा सा मैं उनको घास भी दूंगा, सूखी घास, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा है। शायद कल तक हमारे यहाँ भी बारिश बर्फ़बारी हो जाए, तो एक वीडियो में बर्फ़बारी में भी आपके लिए शूट करने वाला हूँ। साले दोस्तों, पहाड़ी के इस तरफ आने पर भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगा है। इन वाली पहाड़ियों में तो बर्फ़ नहीं पड़ा है इस तरफ की, मतलब नौगांव साइड की ये पहाड़ियां हैं। और ये रास्ता है माँ भूंखाल भगवती का, मतलब हमारे गांव का सबसे अनोखा मंदिर। तो व्यू मतलब एकदम ख़ास व्यू यहाँ से, मतलब पीछे आप देख सकते हैं छोटे छोटे फूल सरसों के, ये हमारे ही खेत हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा। और इस तरफ देखें तो मतलब कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है, मतलब उत्तराखंड का व्यू ही क्या क्या ही बोले दोस्तों। तो दोस्तों, जब अक्सर ऐसा होता है कि जब ऊपर वाली पहाड़ियों में बर्फ़बारी होती है तो वहाँ के जंगली जानवर जैसे हिरन, बाघ, भालू वगैरह नीचे वाली पहाड़ियों में आ जाते हैं, तो आजकल शायद यहाँ भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ इन जंगलों में रहता तो कोई है नहीं, घास वास के लिए भी कोई नहीं जाता अब तो, वैसे खाली बंजर पड़े हुए हैं ये जंगल, तो यहाँ जानवरों का खतरा बना रहता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ से व्यू तो क्या ही बोले दोस्तों। पहाड़ियों में अलग अलग होती रहती है दिनचर्या, मतलब अलग अलग होनी रहती। और अगर आप लोग मतलब कुलदीप यू के यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको नई वीडियो मतलब सबसे पहले मिल सके। बगल वाली घंटी आती है जी,